Student, this question came in ASTAT 2019. Question is related with interference of light. Question is three coherent equal intensity light rays arrive at a point P on a screen to produce an interference minimum of zero intensity. If any two of the rays are blocked, resulting intensity of light at point P is I1. If only one of the rays is blocked, then resultant intensity at point P will be. Question देखो student, question में लिखा है minimum of zero intensity. If any two of the rays are blocked, then resultant intensity at P is I1 or equal intensity है. Question है if only one of the ray is blocked, एक ray को अगर block कर दिया तो पीछे दो बचेंगे. और मिनिमम जीरो इंटेंसिटी चाहिए और हम सब जानते हैं फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी टू बी जीरो अगर हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो चाहते हैं तो फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 120. आप जानते हैं थ्री वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड हो और उन दो के बीच में एंगल 120 हो, टेल से टेल मिलाएंगे, पैरेलल वेक्टर कैन बी शिफ्टेड. अगर मैं इंटेंसिटी को वेक्टर की तरह ट्रीट करता हूं, ये देखो इसको आगे शिफ्ट किया, को इनिशियल पॉइंट पे 120 एंगल बना है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा. I1, 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 ये 60, ये 120, और ये भी 120 ही बनेगा. और जब दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल हो और एंगल उनके बीच में 120 हो, तीन वेक्टर टेकन इन सेम ऑर्डर सेम सीक्वेंस, टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर सेम सीक्वेंस, और अगर वो क्लोज चेन बनाते हैं तो उनके तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट सम जीरो होता है. यही तो उसने कहा रिजल्टेंट मिनिमम जीरो इंटेंसिटी. सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी टू बी जीरो, फेज डिफरेंस बिटवीन देम हैज टू बी 120. और हम सब जानते हैं टू वेव्स की जब इंटरफेरेंस होती है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ. रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला था I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 और cos phi. तो ये जो तीसरी जो टर्म है इसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म. दिस थर्ड टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड टर्म इज नोन एज इंटरफेरेंस टर्म. और यहां पे इंटेंसिटी इक्वल दी हुई है, I2 की जगह उसने I1 दिया हुआ और फेज डिफरेंस 120 नहीं दिया. ये हमें अपनी नॉलेज अप्लाई करनी है कि 120 होगा, क्योंकि थ्री वेक्टर टेकन इन सेम ऑर्डर देन द रिजल्टेंट इज ओनली जीरो इफ टू वेक्टर्स हैव एंगल 120. तो फेज डिफरेंस बिटवीन देम टू हैज टू बी 120. कोस 120 की वैल्यू कितनी होती है? -1. सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? I1. तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. थैंक यू.